दोस्तों अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने कुछ इस तरह का सवाल आ जाए और आपसे कहा जाए कि भैया इसको सॉल्व करिए, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये जो सवाल है ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चिन्ह दिए हुए हैं और इनमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया पहले हम जोड़ करें या गुणा करें या घटाना करें, क्या करें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। ये जो सवाल है आप एक मिनट से कम समय में भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक छोटा सा रूल बताता हूं जिसका नाम है बोर्ड मास रूल। ठीक है, पूरा नहीं समझेंगे, सिर्फ इस सवाल के काम काम समझेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल के अनुसार क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है गुणा, ठीक है, फिर उसके बाद में हमें जोड़ करना है, फिर उसके बाद में हमें घटाना करना है। ठीक है, पहले गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम सवाल को कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए 15 में 0 का करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब 15 में 8 का करेंगे तो 15 8 कितना होता है, 120 होता है, तो 120 की आ जाएगी 0 और 12 आ जाएगा हमारा कितना, हासिल। ठीक है, फिर 15 एकम 15, 15 और 12 कितने हो जाएंगे, तो 5 और 2 7, 1 और 1 2 27। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा 2700। ठीक है, इसको हमने कर दिया भैया इतना इतना हमारा 2700 हो गया। फिर माइनस है तो ये हमने लगा दिया माइनस, अब इनका गुणा कर लीजिए तो 20 दुनी हो जाएंगे 40, तो 40 की हो जाएगी 0 और हासिल आ जाएगा 4, 20 एकम 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24, तो ये हो गया हमारा 240। ठीक है, ऊपर का फंडा खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं नीचे यहां पर, अब देखो यहां पर हमें 8 का गुणा इसमें करना है, तो 8 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 8 चौके 32, तो 32 इस प्रकार से लिखते हैं तो 32 की 2 आएगी, हासिल आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, 8 एकम 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो ये हो गया हमारा 1120 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, अब 2 का गुणा हमें 55 में करना है, तो 5 दुनी 10 की 0, हासिल आ जाएगा 1, 5 दुनी 10 और 1 11, तो यहां पर आ गया हमारा 11 और बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, देखिए पूरा पूरा फंडा हमारा यहां पर सॉल्व हो गया है। अब हमें पहले जोड़ करना है फिर घटाना करना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो यहां पर देखिए पहले आप घटाना भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर और कोई चिन्ह है ही नहीं, तो हम यहां पर घटाना पहले ही कर लेते हैं। तो 2700 में से हम 240 को घटाएंगे तो क्या आएगा, चलिए घटा लेते हैं, 2700 माइनस 240 घटाइए तो 0 में से 0 जाएगा, यहां पर 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे और 2 के 2 कितना हो गया 2460। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारा 2460। ठीक है, अब बटे में कितना है इसको भी हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो यहां पर इसको जोड़ेंगे तो 1120 और यहां पर 110 इनको जोड़ लेते हैं, तो यहां पर 0 और यहां पर 2 और 1 हो जाएगा 3, 11 1 हो जाएगा 12, तो यहां पर कितना आ गया 1230 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर 0 से 0 कट गया। ठीक है, क्या बचा 246 बटे 123, तो 123 का पहाड़ा यदि हम दो बार पढ़ें तो 246 ही आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, इसका 2 आंसर आ गया। अब देखिए इतना बड़ा सवाल है और आंसर कितना आया है, सिर्फ 2। ठीक है, तो सवालों को देखकर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से ये जो सवाल है ये सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।